मुझे स्पीकर महोदय ने दूसरी बार इस दूसरे छात्र संसद को जज करने का मौका दिया है। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को जब देख रही हूँ या जज कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि ये कितने कॉन्फिडेंट हैं इन्हें विषय के बारे में, जो प्रक्रिया है, किस तरह से सदन में बात करनी है, इन सब की कितनी गहरी तैयारी करके उन लोगों को इस तरह का मौका दिया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली जिस तरह से सहमति से सदन चल रहा है वो हम लोगों को भी सीखने की बात है। लेकिन जनहित के जब मुद्दे हैं तो इन बच्चों को तो काफी प्रैक्टिस करा के अभी काफी गाइडेड तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन इन बच्चों को जब हम लोगों को कुछ बताने बोलने का मौका मिलेगा तो हम लोग यही सिखाएंगे कि जो जनता के हित में अगर कभी आवाज उठानी है तो बुलंदी से उठानी चाहिए। तीन दिन का जो स्थापना दिवस समारोह था, आखिरी दिन है, क्या कहेंगे आप इस बात? पहले दिन तो मैं भारत जोड़ो यात्रा से वापसी हो रही थी महाराष्ट्र से, तो मैं पहले दिन का कार्यक्रम तो मिस कर गई। मुझे भी अफसोस है, पिछले बार मैं उसमें शामिल हुई थी। लेकिन कल का कार्यक्रम जो दिन भर रहा, चाहे फिर शाम को जो कवि सम्मेलन हुआ हमारे शास जी की उपस्थिति में, आप सब भी उसका हिस्सा थे, मुझे लगा कि वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम विधानसभा के द्वारा कराया गया। और जो ये छात्र संसद करा के बच्चों को मौका दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि राज्य में आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। एक एक राजनीति भी देखने को मिली, बीजेपी के विधायक नहीं आए स्थापना दिवस समारोह। नहीं, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि आज के भी कार्यक्रम में देखी सीपी सिंह जी हैं और स्थापना दिवस का जो मुख्य उस दिन मुझे लगता है सीपी सिंह जी आए थे और अन्य विधायक, मुझे लगता है कुछ क्षेत्र की व्यवस्था के चलते लोग नहीं आ पाए होंगे। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में जरूर सबको सम्मिलित होना चाहिए। विधानसभा राज्य का सर्वोच्च पंचायत है और इसे मैं लोकतंत्र का मंदिर मानता हूँ। 22 नवंबर से लेकर आज 3 दिन ये कार्यक्रम हुआ है स्थापना दिवस। मैं यही कहूँगा कि ये हर बार होते रहना चाहिए और भी बेहतर होना चाहिए। एक अच्छी पहल है और मैं इसकी सराहना करता हूँ और हर सदस्य को इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।